बेटा हमने सेंट्रल बैंक के अंदर लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करे थे वो आते हैं सबसे पहले। सबसे पहले बेटा हमने एक पॉइंट पढ़ा इसके अंदर, बैंक रेट। तो बैंक रेट मैंने आपको बताया था जिसपे सेंट्रल बैंक यानी कि RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराता है विदाउट एनी सिक्योरिटी यानी विदाउट एनी कोलेटरल, तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं। फिर बैंक रेट का ही एक और भाई निकल के आया था हमारे सामने, वो क्या था, रेपो रेट। रेपो रेट में भी क्या करता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन तो प्रोवाइड कराता है लेकिन वो क्या करता है किसी सिक्योरिटी के बदले में उसको प्रोवाइड कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या, CRR। CRR क्या बताया गया था आपको, इसे CRR का मतलब होता है कि किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट आता है तो RBI कहता है कि उसका कुछ परसेंटेज एज अ रिजर्व आप अपने पास क्या करके रखो, मेंटेन करके रखो। उसका मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था बेटा, ये दिया था कि जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है तो उस पॉकेट मनी में से आपको भी घर वाले कहते हैं कि थोड़ा सा सेपरेट अमाउंट रख दिया करो, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके काम आ सकता है। तो सेम मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का रिलेशन पापा और बेटे वाला ही है। सेंट्रल बैंक इज अ फादर ऑफ अ कमर्शियल बैंक, क्योंकि उसको चलाना, कैसे रेगुलेट करना है, कैसे काम करना है, वो सब कौन सिखाता है उसको, RBI सिखाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सर SLR क्या होता है। तो SLR में बेटा मैंने बताया था उसकी फुल फॉर्म होती है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी इसके अंदर जो भी टोटल डिपॉजिट है बैंक के पास, RBI कहता है कि उस टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आप किस रूप में संभाल के रखो अपने पास, लिक्विड एसेट्स के रूप में संभाल के रखो। समझ आ गया। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको जरा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे अब एक टॉपिक आ रहा है आपके सामने, रेपो रेट क्या आ रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं पहले इसे, देखो क्या कहता है इसके अंदर। कहता है रेपो रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड एज टू मेंटेन अ लिक्विडिटी। देखो तीन तरीके के रेट्स पढ़ रहे हो, मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ आपको। पहला सर बैंक रेट था, तीनों के अंदर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है लेकिन लोन देने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। पहले के अंदर सर वो देता है लेकिन विदाउट एनी सिक्योरिटी देता है। फिर आपने बताया सर हमारा बैंक रेट के बाद कौन सा रेट पढ़ा था हमने, रेपो रेट पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर भी वो लोन प्रोवाइड करता है लेकिन किसके बदले में करता है सर, वो लोन के या किसी चीज को मॉर्गेज रखवा के करता है। अब यहाँ पे भी वही चीज लिखी है कि सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, यानी जब कमर्शियल बैंक के पास फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है तो उस टाइम पे क्या करता है बेटा, वो उसको लोन दे देता है। अब ना अगला बड़ा ध्यान से समझना, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट नाम से ही लग रहा होगा सर, रेपो रेट का अपोजिट। तो सर रेपो रेट का अपोजिट समझना आप इसको भैया, इस वाले के अंदर क्या हो रहा है, RBI सर, RBI जो है ना सर यहाँ पे लोन दे रहा है किसको, SBI यानी कि कमर्शियल बैंक को। समझ आ गई। तो इस रेट को हमने सर रेपो रेट कहा। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है सर, रेपो रेट का अपोजिट कर दो। तो बेटा जब रेपो रेट का अपोजिट होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे लोन देने वाले भी तो चेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करेंगे किसको, सेंट्रल बैंक को करेंगे, क्योंकि मुसीबत किसी पे भी आ सकती है, मुसीबत किसी पे भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज नहीं हो सकती है, हो सकती है। कैसे पढ़ो, कहते हैं रिवर्स रेपो रेट इज सेट टू बी दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक RBI इन इंडिया बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म। किसके लिए करता है बेटा, वो शॉर्ट टर्म के लिए करता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपके माइंडसेट कहाँ जा रहे होंगे, सर ये कैसा जमाना आ गया कि पापा को बेटे से उधार लेना पड़ रहा है ना, ये तो सर गलत ही सिस्टम चल गया कुछ सा। बेटा ऐसा होता है, पापा जितने मर्जी पैसे वाले हो सकता है जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा चाहिए उन्हें किसी काम के लिए, तो वो बेटे से क्या कह सकते हैं, भैया थोड़े टाइम के लिए मेरे को उधार दे दे भाई, मेरे को बिजनेस में लगाना है। तो सेम RBI की भी कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है कि RBI के पास पैसा खत्म हो जाता है, पैसा है लेकिन हो सकता है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी ऑफ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो किसके पास जाएगा सर, कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, कहेगा कि शॉर्ट टर्म का मेरे को आप क्या दे दो, थोड़े टाइम के लिए एक लोन दे दो, मैं आपको थोड़े टाइम बाद क्या कर दूंगा, उसको रीपे कर दूंगा। लॉजिक समझ आया, माइंडसेट क्लियर हो गया कि सर ऐसा नहीं है कि RBI के पास पैसा ही खत्म हो गया, ऐसा जरूरी नहीं होता। आप क्या लोन है, अब मैं मान लो मैंने गाड़ी ली, गाड़ी मैंने क्या ली, जितने भी लेते हैं अच्छे अच्छे करोड़पति बैठे होंगे यहाँ पे, सब लोन पे ही लेते हैं, ठीक है, जिन पे चलो ठीक है लोन पे ही लेते हैं मानते हैं, दूसरी बात पे नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। अब बेसिकली जो कमा रहा है, जिसकी सैलरी आ रही है, ऐसा होता क्यों है बेटा, क्यों अगर आप 20-25-50 लाख की गाड़ी लेते हो तो आपको वो अमाउंट अगर आपका लीगल तरीके से आ रहा है, मान लो सैलरी आ रही है कुछ आ रहा है, तो आपको गवर्नमेंट को शो करना पड़ जाएगा कि भैया 50 लाख की गाड़ी ली है तो पैसा आ कहाँ से रहा था। तो जिसके पास लीगल मनी आ रही है ना, तब भी वो क्या करता है, EMI पे परचेस कर रहा है उसको, ये दिखाने के लिए भैया मेरे पास पैसे की दिक्कत है, मैं इसलिए उधारी में ही चलता हूँ।
समझ आ रही है? और ये मेरे साथ नहीं है, हम जितने बैठे हैं हमने टीवी फ्रिज क्या 40-50 हज़ार रुपये नहीं होते, कभी भी ले आओ, लेकिन फिर भी सर नो कॉस्ट EMI है, भर देंगे खाते पीते, होता है ना यही माइंडसेट सबका, ऐसा ही होता है। तो जो कमर्शियल बैंक्स है ना बच्चे, यहाँ पे मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है, मान लो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई किसी जगह पे, तो वो किसके पास जाएगा? कमर्शियल बैंक पे। उस रेट को जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा सर? रिवर्स रेपो रेट बोला जाएगा। इसके अंदर मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल तौर पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में 1% का डिफरेंस होता है। 1% का डिफरेंस कैसे? कि अगर मान लो ये इसको 7% पे देता है तो ये इससे कितने पे लेगा? एक अप्रोक्स बता रहा हूँ कि 1% का क्या रखा जाता है डिफरेंस, ठीक है? क्योंकि बस स्टोरी वही चलते रहेगी बेटे पापे वाली, बेटा क्या कह रहा है, भैया आपने भी तो 7% चार्ज किया था, अब आप मेरे से मांग रहे हो, आपसे 8% ले लूंगा। तो 1% का डिफरेंस रखा जाता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में। अब समझ आ गया क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस? क्लियर है भैया? अभी पूछूंगा, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आती है भैया आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस शीट आ जाती है, अब ध्यान से सुनेंगे और आंसर करेंगे। कहता है व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक ऑफ इशू इन अ कंट्री मॉनेटरी सिस्टम। कहता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बैंक ऑफ इशू कौन होता है बेटा? RBI। उसकी क्या प्राइमरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनेटरी सिस्टम के अंदर? पढ़ के मेरे को बस हैंड रेस करेंगे, सारे शोर ना मचाएं, बोलो। डी सर, रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई एंड करेंसी इश्यूएंस। इसका मेन काम ही क्या है सर? इकोनॉमी के अंदर क्या करना? पैसे को सप्लाई करना, ठीक है। दूसरा, व्हाई इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। पहले क्वेश्चन समझ लो जिनको नहीं आया, मैंने आपको बताया था एक फंक्शन होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का मतलब क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक कहीं पे फंस जाता है, यानी बेसिकली इसको ऐसे इसलिए याद करा रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, घर में आपके पापा के साथ रिलेशन कैसे भी हो, जब सबसे पहले फंसते हो तो वहीं कॉल करना पड़ जाता है, मजबूरी है कि भैया फंस गए हैं बचा लो। तो सेम कमर्शियल बैंक के साथ भी है, अब रिलेशन जैसे मर्जी चल रहा है, जब भी वो फंसेगा ना तो सबसे पहले किस पे जाएगा सर? वो RBI के पास जाएगा, और RBI आगे निकल के भी आएगा उसको बचाने के लिए। तो कह रहा है सर वो जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का फंक्शन है ना, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कैसे होगा। तो सर क्या बोला आपने भैया? बी, टू प्रिवेंट बैंक फेलर्स एंड मेंटेन अ स्टेबिलिटी। वो ऐसा क्यों करता है? ताकि बच्चे जो हमारे कमर्शियल बैंक है उसे किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए या उनके बैंक फेल ना हो जाए। फिर आता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज द कस्टडियन ऑफ अ कैश रिजर्व। कहता है कि क्या प्राइमरी फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का? हमने एक टॉपिक पढ़ा था कस्टडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज, कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है वो अपने पास रिजर्व में बचा के रखता है, ठीक है। डी वैसे बी या हाँ, सेफ गार्डिंग अ कंट्रीज कैश रिजर्व। उसका मेन मकसद है कि जो कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज या रिजर्व्स आ गए हैं उसको हम क्या करके रखें? बचा के रखें, उसके लिए यूज होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन अ कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। कहता है SLR का क्या रूल है, बोलो बेटा। ए, टू एनकरेज द बैंक टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, अगर ध्यान से वीडियो देखी होगी आपने, कि सर ये इसलिए किया जाता है ताकि वो ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से क्या करो बेटा, स्टॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाओ या बॉन्ड्स वगैरह को क्या करो, बाय करो, इसीलिए आपसे ये कहा जाता है। अब हाउ डज द रिवर्स रेपो रेट डिफर फ्रॉम द रेपो रेट एज अ टूल यूज बाय द सेंट्रल बैंक। अभी बता के चुका हूँ, ये वाला मैं पूछूंगा जिससे पूछ रहा है, ठीक है। अभी बताया था बेटा, कह रहा है किस तरीके से रिवर्स रेपो रेट जो है वो डिफरेंट होता है रेपो रेट से। पढ़ लो एक बार ऑप्शंस। हाँ जी, ए सर, रिवर्स रेपो रेट इज यूज टू लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है, व्हाइल रेपो रेट इज यूज टू बोरो मनी। वो उधार देने के लिए किया जाता है, ये उधार लेने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक मिनट, फोर्थ का, टू चेक द एक्सपेंशन ऑफ बैंक स्टेचुरी। हाँ, ये भी हो सकता है बेटा कि बैंक के क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि वो लिमिट्स को बढ़ा सके या उसकी एक्सपेंशन हो सके, उसके लिए हो सकता है। देखो बेटा, यहाँ पे ना इस वर्ड को सीख करेंगे आप, यहाँ पे कमर्शियल बैंक की जगह कर लो आप, यहाँ पे सेंट्रल बैंक आएगा,
ठीक है, या तो रिवर्स इधर हो जाए, रेपो उधर हो जाए तो ठीक हो जाएगा ये, वरना सेंट्रल बैंक कर दो, इसे तो ठीक है ये। ठीक है जी, चलिए। अब बेटा यहाँ पे समझो, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसको समझते हैं, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको समझते हैं, डिफरेंस क्या है। देखो बेटा यहाँ पे, अभी तक जो भी आपने टॉपिक पढ़ा था वो किसके रिगार्डिंग पढ़ा था सर? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के लिए। सर जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है ये दो तरीके की पॉलिसीज से किया जाता है सर। एक होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज, जिसे हम जानते हैं क्वांटिटेटिव पॉलिसीज के नाम से। हमने हर जगह क्या किया बेटा, रेट्स को ही तो चेंज करा, सीआरआर एसएलआर यानी क्वांटिटी को घड़ा बढ़ा के हम क्या करते हैं, एक तरीके से कंट्रोल करते हैं क्रेडिट को। सर दूसरा तरीका क्या होता है? सर दूसरा तरीका हमारे पास होता है यहाँ पे क्वालिटेटिव मेजर्स। कौन से मेजर्स होते हैं सर? क्वालिटेटिव मेजर्स सर वो वाले मेजर्स हो गए जहां पे रेट्स का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अलग से कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल। अब सर वो है क्या क्या वो समझाओ बेटा। सबसे पहला आएगा हमारा यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो बेटा इसी चैप्टर में हमने पढ़ा क्या कि सर जो बैंक होते हैं ना सेंट्रल बैंक, ये क्या करते हैं एक तरीके से बॉन्ड्स को खरीदते बेचते भी हैं। भाई किसके लिए करते हैं ये? गवर्नमेंट के लिए। सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन देखता है बेटा? हमारा आरबीआई देखता है। यानी जो भी ओपन मार्केट का मतलब होगा खुले बाजार के अंदर जो भी बॉन्ड्स को इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा बेचा जाएगा वो किसके द्वारा करते हैं हम? आरबीआई के द्वारा करता है बैंक, सॉरी गवर्नमेंट हमारी। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन को जरा ध्यान से समझना बेटा। इकोनॉमी के अंदर चल रहा है यहाँ पे मान लो इन्फ्लेशन, तो सर आपने बताया था कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का मतलब है मनी सप्लाई क्या हो रही है सर? बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब पापा को लगता है भैया बच्चे बिगड़ जाएंगे, पैसा बहुत आ गया इनके पास। अब पापा कहेंगे भैया इस पैसे के ऊपर क्या लगाओ, रोक लगाओ। कैसे लगाएंगे? पापा क्या करेंगे भैया यहाँ पे, यानी आरबीआई क्या करेगा? वो ये करेगा बेटा कि मार्केट के अंदर, ध्यान से सुनना, मार्केट के अंदर बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज ये कौन से होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज। इसको सेल करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा? और लोगों के पास तो पैसा पहले ही बहुत ज्यादा है वहां पे, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स की वैल्यू भी क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा ज्यादा है लोगों का, रिलायबिलिटी ज्यादा है कि भैया सरकारी है तो ये पैसा कहीं डूबेगा नहीं हमारा। तो जैसे ही गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगा, मार्केट के अंदर इन्हें सेल करना स्टार्ट करेगा तो लोग इसे फटाफट खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज कहां चले जाएंगे सर? हमारे मार्केट में। और पैसा कहां पे आ जाएगा? अब आरबीआई के पास। समझे क्या करा उसने? उसने एक तरीके से स्कीम लगाई कि भैया लोगों के पास पैसा बहुत है और सब वेट करते हैं बेटा, जब बड़े हो जाओगे ना तब आपको वैल्यू समझ आएगी कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल में वैल्यूएबल होते हैं वो। अब आरबीआई को दिखा भैया मार्केट में पैसा बहुत है, तो उसने क्या करा, उनको बेचना स्टार्ट कर दिया क्योंकि खरीदने वाले बहुत बैठे थे। उसका मोटिव क्या था उसके पीछे? कि बॉन्ड्स वगैरह जाने दो भैया, पैसा ले आओ वापस, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है ज्यादा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या आ रखा है, इन्फ्लेशन आ रखा है, तो उसने बेचने स्टार्ट कर दिए। अब सर इसका अपोजिट सोचो। सर अब इकोनॉमी में चल रहा है यहाँ पे डिफ्लेशन, यानी कि सर आपने बताया था मनी सप्लाई क्या है, कम है। अभी मैं और चीज भी बताऊंगा, नोट्स में नहीं होगी लेकिन प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब क्या हुआ इस टाइम पे क्या करेगा जी वो? अब वो क्या करेगा सर, इन बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को खरीदना स्टार्ट कर देगा। सर खरीदना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा सर? अब बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज तो वापिस आ जाएंगे, पैसा कहाँ चला जाएगा सर? बाजार में चला जाएगा। अब सर कहोगे कि वो बेचेंगे क्यों? भैया उन्हें बेचना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में चल रही है डिफ्लेशन, काम किसी का नहीं चल रहा, सबको क्या चाहिए अब? तो पैसे के लिए क्या करेंगे? भैया लो जो भी लो, मेरे को पैसा चाहिए। तो वो क्या करेंगे अब? यहाँ पे बेटा आरबीआई ने खेला, पापा ने खेला डबल गेम। कैसे खेला ये समझो। जब आपके पास पैसा बहुत ज्यादा था तो उन्होंने ये सिक्योरिटीज बॉन्ड्स बेचे आपको 100 रुपए के हिसाब से, और आपने लिए क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा था, उसकी वैल्यू ज्यादा थी, पैसा ले लिया पापा ने अपने कब्जे में, ठीक है, और आपको दे दिए सिक्योरिटीज बॉन्ड्स।
अब भैया जब आपके हालात आए मजबूरी वाले डिफ्लेशन के, आप फिर से पापा के पास गए, आरबीआई के पास गए, वो क्या कहते हैं, अच्छा भाई कोई बात नहीं, दे दे पैसे की जरूरत है, मैं दे दूंगा, बॉन्ड सिक्योरिटीज जो बेचे थे ना वो दे दे, लेकिन अब मैं खरीदूंगा कितने में, आप बेचोगे, भैया हमारी तो मजबूरी है। तो दोनों तरफ से क्या कमा रहे हैं, पापा प्रॉफिट कमाते हैं इस तरीके से, समझ आ गया मार्केट की सिचुएशन क्या है। इसे बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सर शॉर्ट में समझाओ, शॉर्ट में सर जब इन्फ्लेशन होगा तो सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया जाएगा, और जब डिफ्लेशन होगा तो मार्केट से उसको खरीद के पैसे की सप्लाई को मार्केट में बढ़ा दिया जाएगा। इन शॉर्ट मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं लास्ट दो क्लासों में, सबका मेन मोटो एक ही है, पैसे की सप्लाई को बढ़ाना या पैसे की सप्लाई को, बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, क्लियर हो गया जी यहां तक अब अच्छे से। चलो अगर क्लियर है तो अब आते हैं आपके नोट्स वाली स्ट्रेटेजी पे। देखो क्या लिखा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ अ ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स इज काइंड ऑफ अ बिल कह लो, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बॉन्ड्स मान के चल रहे हैं, एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी नोन एज अ ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा, मार्केट के अंदर ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स को खरीदना बेचना स्टार्ट कर देता है मार्केट में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ये तो समझ आएगी आपको, ओपन मार्केट ऑपरेशन आर अ पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी कंट्रोल मेथड व्हेन द सेंट्रल बैंक वांट टू रिड्यूस द मार्केट मनी सप्लाई। ध्यान से सुनना, जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि मार्केट से मनी सप्लाई को कम किया जाए, इट सेल्स सिक्योरिटीज ऑन द ओपन मार्केट, तो वो क्या करता है सर, सिक्योरिटीज को बेचना स्टार्ट करता है, पैसे अपने पास मंगवा लेता है। द इंटेंशन इज टू रेज इंटरेस्ट रेट, दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज अ कॉन्ट्राडिक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। इसको किस नाम से जाना जाता है सर, कॉन्ट्राडिक्शनरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। अब सिमिलरली व्हेन द सेंट्रल बैंक वांट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी ऑन द मार्केट, पैसे को बढ़ाना है, इट विल बाय द सिक्योरिटीज, दिस एक्शन बीइंग टेकन टू लोअर द इंटरेस्ट रेट एंड प्रमोट द नेशंस इकोनॉमी ग्रोथ, दिस स्ट्रेटेजी इज नोन एज अ, देखो अब ये मेरे को बताएगा कोई कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन कहां पे पड़ा है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, सिक्स मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था आपका, ठीक है। तो सर जब हमें बढ़ाना है तो हम कॉन्ट्रेक्शन कम करना है तो क्या करेंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे, बढ़ाना है तो सर हम क्या करेंगे, खरीदना स्टार्ट कर, ठीक है, समझ आ गया सारा पॉइंट अब अच्छे से, ठीक है। चलो अब सर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, उससे पहले चलो देखो ये पॉइंट्स ना अपने आप में इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे नहीं है हवा वाली वाले, ये समझने वाले पॉइंट्स है और सारे काम आएंगे आपकी लाइफ में जब आप डील करोगे इन चीजों में। देखो कहता है व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन प्राइमरी यूज बाय द सेंट्रल बैंक, कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक के द्वारा क्यों यूज किए जाते हैं कृष्णा, सी सर मैनेजिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, अभी पढ़ा है ना सर, वो क्या करता है एक तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। अब विच मॉनेटरी पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद द सेंट्रल बैंक सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, कौन सी पॉलिसी है सर इसके अंदर से, सर एक्सचेंज रेट, अभी बढ़ा था डेफिनेशन में भी है ऊपर, इन एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, विच मॉनेटरी पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद सेंट्रल बैंक, अच्छा सेल करने के लिए करी जाती है, कौन सी है सर यहाँ पे, ये कॉन्ट्राडिक्शनरी, कॉन्ट्राडिक्शनरी में क्या करता है वो बेचना स्टार्ट करता है। इन एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑब्जेक्टिव व्हेन कंडक्टिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है बेटा, पैसे को बढ़ाना, पैसे को, तो पैसे को बढ़ाने के लिए वो इनमें से क्या काम करेगा, ए टू इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड लोअर द रेट ऑफ। अब सर व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर कॉमनली इन्वॉल्व्ड इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन, सर सी अभी पढ़ा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी। How do open market operation contribute to the implementation of a monetary policy by a central bank? See, sir, by influencing the interest rate and the money supply. कैसे control करता है सर वो interest rate और money supply को market में क्या कर लेता है? Control करता है और उसकी base पे ये काम करता है, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद आता है बेटा आपका ये margin requirement. अब इसको पहले समझते हैं फिर पढ़ते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट लिखे ना कोई समझे, बस पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या बेटा, ये भी ना एक टर्म होता है बैंकिंग का, कैसे होता है
ये बहुत काम आएगा, सबके ही काम आएगा जितने बैठे हो कभी ना कभी जिंदगी में। कैसे सर? बेसिकली आपको बैंक से लेना है लोन, और लोन के बदले में सर हमें कुछ ना कुछ क्या रखना पड़ता है वहां पे, या कोलेट्रॉल रखना पड़ता है सर, गिरवी रख के आते हैं हम उसके पास कुछ भी, मॉर्गेज या कोलेट्रॉल। अब हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान से समझना, आपके पास बेटा आपको लोन चाहिए यहाँ पे 1 crore का, लोन रिक्वायर्ड। आपने यहाँ पे अपनी जमीन क्या करी, यहाँ पे कोलेट्रल करी। आपकी जमीन की वैल्यू थी बेटा 1 crore, लोन गिवन, आपको लोन देगा बैंक 80 lakh रुपए का। अब सर यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हुई? सर मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जितने की चीज आपने उसके पास गिरवी रखी और उसके बदले में जो हमें उसने लोन दिया उसके बीच का जो डिफरेंस होता है सर, वो उसकी क्या कहलाती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाती है। तो इस केस में सर इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, यहाँ 20 lakh रुपए है। यहां तक समझ आ गया मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? अब मेरा अगला क्वेश्चन समझना, सर ऐसा करता क्यों है, कोई बताना चाहेगा? पैसे लेके चले कैसे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन है, मकान आपका वहां पे पड़ा है। सुनो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस एग्जांपल को अगर ढंग से टॉपिक क्लियर करना है, भैया आपने 1 crore की प्रॉपर्टी का कागज दिए, सपोज बैंक ने आपको 1 crore का ही क्या दे दिया, और लोन मिलता है लगभग 20 साल 15 साल 10 साल के लिए। भैया 15, 10, 20 साल का जो टाइम पीरियड है ना, वो इतना बड़ा है कि प्रॉपर्टी आगे पीछे होती रहेगी, बढ़ती घटती रहेगी। अब हुआ क्या भैया कि आपने 1 crore के कागज रखे थे और आप उससे 1 crore का लोन ले आए, मार्केट के अंदर अगले 3, 4, 5 साल के अंदर रिसेशन आ गया और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू रह गई सर कितनी, 70 lakh। अब इस 70 lakh के ऑलरेडी आप बैंक से कितने ले चुके हो, तो क्या आप लोन वापस करने जाओगे? सर हम तो फायदे में चल रहे हैं, ऑलरेडी पैसा आया पड़ा है, क्यों जाएं भैया, बैंक तो अपने आप बेच ले, हमें चाहिए ही नहीं है मकान, ये हो जाएगा ना। तो बैंक इतना बेवकूफ तो है नहीं बेटा, इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम चला रहा है, उसे पता है भैया मार्केट की कंडीशन क्या है, किस तरीके से हो सकता है, तो वो पहले ही अपना क्या लेके चलता है बेटा, यहाँ पे एक मार्जिन लेके चलता है कि इन केस अगर कभी नीचे आ गई मार्केट तो भैया हमारा लॉस। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट अच्छे से सबको क्या है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट से सर क्रेडिट कैसे कंट्रोल किया जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है सर। अगर मान लो इन्फ्लेशन है, लॉजिक समझना इसके हर एक चीज के सर, अगर इन्फ्लेशन है तो मैंने क्या बोला था, सब चीजों को बढ़ाया जाएगा। तो बेटा आपको 1 crore पे अब जो लोन दिया जाएगा वो 70 lakh का दिया जाएगा और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना रखा जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि आपके पास मनी की सप्लाई क्या होगा यहाँ पे, कम हो गई। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने से क्या होगा भाई, आपको 1 crore के कागजों के बदले में 70 lakh का लोन मिल रहा है, पहले कितने का मिल रहा था, 80 lakh का, है ना। और सर अगर डिफ्लेशन है तो सर अब 1 crore के बदले में वो आपको, ठीक है, अब आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी हो गई। बेसिकली काम यहां पे भी क्या कर रहा है बेटा, वो पैसे की सप्लाई को बढ़ाने का और पैसे की सप्लाई को बस घटाने के प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, मेथड चेंज हो जाते हैं। उसके पास बहुत सारे टूल्स हैं, हर बंदा एक टूल में तो नहीं फंसेगा भैया, उस टाइम पे किसी को मकान की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे फंस जाएगा। ठीक है, किसी के पास पैसा फालतू रखा है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में डील करेगा। बैंकिंग जो ऊपर वाले फंक्शंस पड़े हैं ना बेटा, जितने भी आपने, वो सारे किसके काम आएंगे, लोगों के काम नहीं आएंगे, वो सारे ज्यादातर किसके काम आएंगे, बैंक्स के काम आएंगे। कमर्शियल बैंक पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका इम्पैक्ट वो किस पे डालेगा आगे, फिर पब्लिक के ऊपर डालेगा, लेकिन वो फंक्शंस काम किसके आएंगे पहले, कमर्शियल बैंक के। ये लेकिन सारे कैसे हैं जो डायरेक्टली हमारे काम भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर बेटा, देखिए कहता है इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी कोलैटरल, यानी जो सर हमने चीज वहां पे गिरवी रखी थी उसकी जो मार्केट वैल्यू है, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ अ लोन गिवन बाय द बैंक अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी, और उस बदले में आपको जो सिक्योरिटी दी गई है यानी लोन प्रोवाइड किया गया उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है सर, हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है। क्लियर है जी मार्जिन रिक्वायरमेंट। चलो फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वॉन्ट टू ओपन अ रेस्टोरेंट एंड वेंट टू द बैंक फॉर अ लोन। अब एक एग्जाम्पल और बढ़ते हैं यहाँ पे, आपने रेस्टोरेंट खोलना है, आप बैंक से लोन लेने चले गए बेटा,
बैंक एग्री टू गिव यू अ लोन, ऑब्वियसली द बैंक विल ओनली गिव यू अ लोन अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ वो गिरवी रखवाएगा. फॉर्चुनेटली यू हैव सम लैंड एंड दैट कैन बी प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी, सपोज इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1 crore. आपके पास एक जमीन है, वहां पे गिरवी रख देते, उसकी वैल्यू थी 1 crore. नाउ द बैंक विल टेक दैट सिक्योरिटी एंड ग्रांट यू अ लोन ऑफ, आपको लोन कितने का दिया बेटा उसने 90 lakh का. यू वॉन्टेड अ लोन ऑफ 1 crore बट यू गॉट अ लोन ऑफ 90 lakh रुपीज. अब यहां पे दिस डिफरेंस बिटवीन द लोन गारंटीड एंड द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज टर्म्ड एज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट व्हिच इज 10%. सर तो उसने मार्जिन रिक्वायरमेंट कितने का रखा आपसे, 10% का रखा. ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका इंपैक्ट क्या है. कहता है बैंक कीप्स दिस मार्जिन इन केस द बोरोअर्स दैट इज यू डिफॉल्ट्स और इन केस द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी डिक्लाइन. सर वो ऐसा करता क्यों है कि अगर उधार लेने वाला पैसा ना दे तो भैया पहले से उसने क्या कर लिया. अब आपको एक सिस्टम बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना आपने बेटा, ध्यान से सुनना अब जो मैं बता रहा हूँ. सपोज मैंने ली गाड़ी 10 lakh की, एक 5 साल के टेन्योर पे मैंने उसका लोन करा लिया. आगे के लिए बता रहा हूँ, फ्यूचर के लिए. अगर बेटा आपने ये सोचा था कि बेटा ये लोन ना सर हम ज्यादा नहीं चलाएंगे, थोड़े टाइम में बंद कर देंगे, तो अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उसे 1 साल के अंदर अंदर बंद करवा सकते हो तो करवा लेना, तो थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा. वरना बैंक क्या करता है, सपोज करो 10 lakh की गाड़ी थी, 5 साल का आपने लोन बनाया और आपकी किस्त बनी कितनी, 1000 rupees पर मंथ. तो पता है जो स्टार्टिंग की किस्तें जाती है बेटा आपकी 1.5-2 साल की, 2.5 साल की, उसमें 20,000 rupees में आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है 2,000 rupees और इंटरेस्ट का अमाउंट होता है. तो बैंक तेज है भाई, वो क्या करता है शुरू के ही महीनों में सारा इंटरेस्ट ले लेगा आपसे और प्रिंसिपल कम कम करके घटाएगा. अब आप उसके पास जाओगे 1.5-2 साल बाद कि भैया मेरे पे पैसा आ गया, पैसा लो लोन बंद कर दो, कहेगा कर दो जी. वो तब भी फायदे में है क्योंकि वो सारा इंटरेस्ट क्या था, वो 1-1.5 साल में आपसे पहले ही ले चुका सारा इंटरेस्ट. कभी भी स्टेटमेंट्स उठा के देख लेना, सारा इंटरेस्ट आपसे पहले ले लेता है वो, क्योंकि अपने खिलाफ. मान लो 3 साल बाद आप लोन नहीं रिपे कर रहे, मत करो भाई, आपका प्रिंसिपल ही बचा हुआ जी, मेरा ब्याज तो आ गया था मेरे पास. अब प्रिंसिपल पे और चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता रहेगा, तो फंसा कौन अल्टीमेटली जाके, आप ही फंसोगे बैंक कभी भी, समझ रहे हो. तो कभी भी ऐसा लोन लेते हो फ्यूचर में तो उसे कम टाइम में खत्म करना है कर दो, लंबे टाइम में आपको खत्म करना है कभी मत करना. हाउसिंग लोन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, 7% 8% पे मिलता है तो हमें लगता है सबसे सस्ता लोन है बेटा. उसका टेन्योर बहुत ज्यादा होता है, 15-20 साल. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप 30 lakh का लोन लेते हो हाउस के ऊपर और 8% के हिसाब से लेते हो और 20 साल के लेते हो तो यू हैव अप्रोक्सीमेटली पेइंग 60 लाख टू अ बैंक. 30 लाख का लोन लोगे क्योंकि किस्तें कम कम होती है हमारी, 5,000, 6,000, 7,000, तो हमें बड़ा मजा सा आ रहा होता है कि यार 7-8,000 rupees किस्त है, दे दो. ये भूल जाते हैं भैया 20 साल तक देनी है, 20 साल के बाद उसे टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करोगे तो 30 का कितना दे रहे हो आप बैंक को जाके, 60 lakh rupees दे रहे हो, लगभग डबल जाता है वो. ठीक है ना, तो इतने नहीं है, जब भी इनकी टर्म कंडीशन पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से फंसाते हैं ये, तो सोच समझ के करना जो भी काम करोगे आगे. ठीक है चलो, समझ आ गया बेटा ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्लियर है, क्योंकि इसके बाद मेरे डाउट्स चालू होने वाले हैं आपके साथ. चलो अब इसके बाद आता है जी मोरल्स क्वेश्चन. मोरल्स क्वेश्चन का मतलब क्या है सर, मोरल्स क्वेश्चन होता है नैतिक प्रभाव डालना, यूज ऑफ पावर. अब हुआ क्या सर, डीमोनेटाइजेशन आया था, ठीक है जी. पापा यानी RBI कमर्शियल बैंक से कहते हैं अपने बच्चों से, भैया ऐसा है 2000 से ज्यादा ना करेंसी चेंज करके मत देना किसी को भी. यही निकला था ना कि भैया 2000 रुपए के ज्यादा से ज्यादा एक आधार कार्ड पे 2000 रुपए की करेंसी चेंज हो रही थी उस टाइम पे, कि 2000 के नोट ले आओ और उसके बदले में आप नई करेंसी. अब ये किसने गाइडलाइन निकाली, पापा ने निकाल दी. अब कुछ बच्चे होते हैं नटखट, वो नहीं सुन रहे पापा की, उसके रिश्तेदार आ गए, वो उसको 10,000 भी बदल के दे रहा है, 20,000 भी बदल के दे रहा है. हो रही थी ना, सबने अपनी अपनी सोर्सेज लगा दी थी उस टाइम पे, सब लगे पड़े थे कैसे भी अपना कन्वर्ट हो जाए, करवाया लोगों ने अपने अपने जुगाड़ से. अब पापा को पता चल गया भाई कुछ नटखट बच्चे हैं बात नहीं सुन रहे मेरी, तो पापा क्या करेंगे, पहले तो उन्हें फोन करके डांटेंगे. यानी RBI क्या करेगा, पहले कमर्शियल बैंक को फोन करके कहेगा भाई मान जाओ, हरकतें मत करो, ये वाली जो तुम्हें मैंने कहा है उसके अकॉर्डिंगली चल लो. ठीक है, अब बच्चे कहां मानने वाले, नहीं माने. अब उसके बाद पापा क्या करेंगे भैया, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और उन्हें नोटिस कर देंगे. कई बैंक मैनेजर्स को उस टाइम पे जॉब से निकाला गया, न्यूज चैनल्स के ऊपर भी आई थी ये न्यूज. क्यों, क्योंकि जो RBI की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे थे या उनको समझ नहीं रहे थे उनकी बातों को, तो फिर क्या लेता है RBI, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है. उसी को क्या बोला जाता है बेटा, मोरल्स क्वेश्चन, नैतिक प्रभाव. यानी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है फिर RBI के, भैया नहीं सुन रहे ना, अब मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ. अब समझो,
सक्वेशन मींस पर्सुएशन एज अपोज टू फोर्स और कंपल्शन. क्या मतलब? सक्वेशन का मतलब है किसी चीज को कंपल्शन की तरह फोर्सफुली लगाना, फोर्सफुली आपसे कहना कि भैया ये करना कंपल्सरी है, इसको आप रूल को तोड़ो मत. अंडर दिस द सेंट्रल बैंक एडवाइज बैंक टू फॉलो द सर्टेन गाइडलाइन बाय इशूइंग अ लेटर सेमिनार सर्कुलर एक्सेट्रा. क्या करता है सेंट्रल बैंक? पहले लेटर भेजेगा, सेमिनार करेगा, कुछ चीजें भेजेगा आपको कि आप इससे समझ जाओ और मान जाओ. बैंक आर नॉट लीगली ऑब्लिगेट टू फॉलो सच एडवाइस. बैंक लीगली क्या ऑब्लाइज नहीं है कि उसको फॉलो करें, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं करते वो तो क्या करना पड़ेगा बेटा? फिर ये इसके बाद क्या करेगा? अपना एक्शन उनके ऊपर ले सकता है. तो इसे क्या बोला गया सर हमारे यहाँ पे? मोरल सक्वेशन बोला गया. ठीक है, तो अभी हमने क्वालिटेटिव के अंदर तीन चीजें पढ़ी, ओपन मार्केट, मोरल सक्वेशन और तीसवें मार्जिन रिक्वायरमेंट. ठीक है बच्चे, चलिए अब कहता है व्हाट डज द मार्जिन रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंट इन अ लोन ट्रांजेक्शन. प्राप्ति, लोन ट्रांजेक्शन में मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? बी द डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द सिक्योरिटीज मार्केट वैल्यू. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू बैंक कीप अ मार्जिन रिक्वायरमेंट व्हेन इशूइंग अ. ध्यान से जिससे मैं पूछूं, बैंक ऐसा क्यों करता है कि वो मार्जिन रिक्वायरमेंट रखता है? प्राची, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल डिफॉल्ट. पोटेंशियल डिफॉल्ट का मतलब अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उस केस में, और डिक्लाइनिंग कोलेट्रल वैल्यू, या जो चीज आपने गिरवी रखी है उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उससे बचने के लिए काम करेगा ये. फिर हाउ कैन द आरबीआई यूज द मार्जिन रिक्वायरमेंट एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल. कहता है आरबीआई इसको कैसे यूज करता है एज अ मॉनेटरी टूल? डी सी, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट टू इन्फ्लुएंस द लेंडिंग बिहेवियर. वो रेट्स को क्या करेगा बेटा? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाता बढ़ाता रहेगा और उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन या पर्पस ऑफ अ मोरल सक्वेशन एज एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल बैंक. क्या पर्पस होता है मोरल सक्वेशन लाने का? ए सर, टू लीगली एनफोर्स बैंकिंग रेगुलेशन. ताकि वो चाहता है कि जो बैंक की गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाए लीगल तरीके से. ठीक है जी, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी. ध्यान से सुनो, जिससे पूछूं वो आंसर करेगा. Which is not a monetary policy tool but is related to the lending practice. हाँ जी अंश. B, moral question. क्योंकि ये monetary policy नहीं होती है लेकिन फिर भी इसका प्रभाव डलता है.